we can accept people who have committed rape, but we will not hear the victim's side. Have you ever heard that a man raped a woman? It is all a woman got raped by a man. Porn ban करने से मुझे इसका कोई मतलब नहीं समझ में आया था, because everybody is still watching that. हम लोगों को opinion रखे, अपने आप रखे, लेकिन किसी को आपका ये culprit मत बनाइए. वेलकम टू ज़ेरेनियम गाइस, योर ऑनलाइन एंटरटेनमेंट चैनल. मैं हूं दुशांत मलिक और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारी पब्लिक रिएक्शन सीरीज में जिसका नाम है पब्लिक है ये सब जानती है पब्लिक है. सो गाइस, पिछली वीडियो आपने देखा था, हम बना रहे थे गर्मी में, आज बना रहे हैं दिल्ली की बारिश में, मतलब कतई बारिश में. तो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन पर क्लिक कर दो. आज का जो दिन है ना, ये उस रात की तरह है वेट, उस रात की तरह है वेट. राहुल अग्रवाल, आखिर कब करोगे बंदी सेट, कब तक घूमोगे सिंगल? आज हम बात करेंगे मिस्टर राज कुंद्रा की कंट्रोवर्सी के बारे में, लोगों से पूछेंगे उनका रिएक्शन, लोगों से बात करते हैं. बहुत दिस लेट्स गो. राज कुंद्रा का नाम सुना आपने? जी, जी. कुंद्रा साहब बताओ, क्या चक्कर है, मतलब व्हाट्स योर रिएक्शन? हमें पता नहीं है ना कि मे बी वो कर रहे हैं नहीं कर रहे, तो लेट्स सी अभी क्या सीन है. गलत है और क्या, मतलब शिल्पा शेट्टी जी योगा की लेसन दे रही हूँ, वो कुछ और की लेसन दे. उनकी पब्लिक इमेज एक अलग है, एंड व्हेन दिस कम्स आउट इट इज ऑब्वियसली अ हर्ट, और लाइक इट इज ऑब्वियसली ब्लो टू हिज इमेज. उस पर तो जांच होगी सर, उसके बाद पता चलेगा कि वो सही है क्या गलत. अभी तो पुलिस जो बोल रही है वो तो उससे पता चल रहा है कि वो पोर्नोग्राफी जो है उसमें मेन एक्यूज्ड हैं वो. भी तो ऐसा भी हो सकता है कि आप पता है ये सोशल मीडिया पे इतना क्रेज हो गया, लेकिन ये फेक भी हो सकता है. ऐसा कुछ ऐसा नहीं है कि ये ट्रू है, क्योंकि I mean it's illegal for sure, right? I mean that's what government bans to do. I mean so if person's doing that and he's really, I mean if people find the evidence right, makes sense to kind of whatever the law has to give him the punishment and he'll just go to that. See, abhi tak to aarop hi laga hai. Exactly. Aur jo ki India mein porn ban hai, to ye legally shayad ye dikha jayega kya hai kya nahi hai. Lekin I don't want to comment on that just because अभी तक कोई साबित नहीं हुआ है. बस अभी वर्डिक तो हमारे सोसाइटी की एक बहुत मतलब गंदी आदत है कि पहले ही वर्डिक दे देते हैं जी. वन थिंग विच आई रियली फील बैड अबाउट इज अबाउट शिल्पा शेट्टी. या हर नेम इज गेटिंग इन्वॉल्व्ड, दैट व्हाई डोंट यू लाइक गिव अ चांस टू हर. बहुत ही बेकार चीज है. आई मीन जब आपको किसी के बारे में कुछ नहीं पता होता है तो आपको ऐसे किसी को ट्रोल नहीं करना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल, when you don't know about the situation, then don't troll it. Now you tell me, like, why are we making this video? I'll tell you. Because पिछले साल 2020 में, right, एक matter हुआ था सुशांत सिंह राजपूत का. So रिया, जो रिया चक्रवर्ती थी, उसको बुरी तरह मीडिया ट्रायल्स में रोस्ट करा गया. अभी ये साबित नहीं हुआ. मैं हम ये वीडियो बना रहे हैं, अभी मीम्स बन रहे हैं और हमारा मीडिया भी कैसा है हम सब जानते हैं. तो आई वॉन्ट, व्हाट्स योर टेक कि अभी हमें सब्र करना चाहिए लोगों को? लोग सोशल मीडिया बहुत हाइप करता है चीज़ें. So even if they find something which can give them TRP, as we call it, for the Indian serials type of. First of all, I would like to comment that there should not be media trials. We are nobody to, you know, held him guilty or innocent before it going to the court itself, right? I'm an advocate by profession, so I'm against मीडिया ट्रायल्स. अभी मेंटली भी बहुत सारे लोगों का, अभी राज कुंद्रा जी ही हो या कोई और भी हो, बहुत सारे केसेस में ऐसे होते हैं कि कोर्ट वर्डिक्ट देने से पहले ही लोग और मीडिया ट्रायल दे देते हैं कि ये गुनहगार है और इसने ये क्या है वो क्या है, जिसके वजह से काफ़ी सारा सुसाइड होते हैं, काफ़ी सारा लोग मेंटली टॉर्चर होते हैं. मीडिया ट्रायल हैपेंस अ लॉट, राइट? बट जजिंग समबडी जस्ट लाइक दैट on the basis of a hot news that's given out, because everything at the end is just TRP. I think if you have enough evidence to prove about him, go ahead, blame him, accuse him of anything that he has done, go ahead and judge him. But if you don't, at least stay back home and wait for the time something comes up. आज की डेट में हम अगर कहें तो सोशल मीडिया जो है, लाइक वो बहुत हेल्पफुल भी है और कहीं ना कहीं उसके कुछ कॉन्स भी हैं. सो हमें उस चीज़ का वेट करना चाहिए कि पहले रिजल्ट्स क्या हैं, पूरा हम पहले उसका देख लें कि क्या है पॉजिटिव, सही में वो चीज़ हुई है कि नहीं. फॉर जस्ट कपल ऑफ वीक्स, आफ्टर फ्यू वीक्स देर विल बी नो न्यूज़ रिगार्डिंग हिम एंड ही विल बी लाइक फ्री फ्रॉम ऑल द चार्जेस एंड ऑल. वो इन्वॉल्व भी नहीं होगा, बाद में देखना. इट्स इन द हीट ऑफ द मोमेंट, आई थिंक वो एक बार सब जब ठंडा हो जाता है, इट्स ऑल गॉन. आई एम सेइंग दैट वी आर अ वेरी, वी क्लेम टू बी अ प्रोग्रेसिव सोसाइटी, ठीक है? हमारे पास बॉलीवुड है, इतनी बड़ी बॉलीवुड इंडस्ट्री है. वेस्ट में भी है हॉलीवुड, बट वहाँ पे एक पैरेलल पॉर्न इंडस्ट्री है, वहाँ पे पॉर्न के मतलब उनको भी लेबर लॉ फॉलो होता होगा, प्रॉपर तरीका है.
they are treated. Yeah, porn tak ban hai. How you see this? It's just double standard. But again, I mean, we really can't say. We say that freedom of speech, but we don't have that. ऐसा कहा जाएगा कि हम आगे तो बढ़ रहे हैं लेकिन सोच पीछे ही रह जा रही है. अगर हम वो चीज़ हर चीज़ पे, इट्स नॉट अबाउट पोर्नोग्राफी तो बहुत पीछे की बात है, हम इवन अब सेक्स की बात करें तो ओके सेक्स की बात है तो आई थिंक अ कंट्री दैट हैज़ नो लॉज फॉर एनिमल्स गेटिंग रेप्ड, वी डू नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग अबाउट पॉर्न, लाइक लीगलाइजिंग पॉर्न इन इंडिया. पॉर्न इंडस्ट्री बनाना तो बहुत ही आगे, मतलब पॉर्न के डायरेक्टर प्रॉपर. मतलब अगर आदमी खुद करे तो सही है, दूसरा करे तो गलत है. और पॉर्न बैन करने से कोई रेप केसेस तो कम हो नहीं रहे हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं. सो इट्स लाइक पॉर्न बैन करने से मुझे इसका कोई मतलब नहीं समझ में आया था, बिकॉज एवरीबडी स्टिल वॉचिंग दैट. So this is a stupid thing. We in India, we are at a culture, you know, we have our own cultural values. So probably it's, you know, it's right. As of now, it's not allowed. I mean, with time, if things come in, that's fine. Maybe I am not comfortable with watching porn, but anybody may be. Okay. So I think it should be left on individual to decide what they wanna do. At least it is better than going and raping somebody. It is going and assaulting somebody's dignity because you want to satisfy yourself. So I think people should be able to decide for themselves, and I'm nobody to tell whether porn is good or bad, and whether anybody should be open about their sexuality or not. I'm nobody to comment. What's your take on people dragging Shilpa in between? That is completely wrong, because she is having her own personality. Like, she is an individual personality. You know what? No one's like, if I am being in a relation with someone, doesn't mean that I am responsible for each and every act of that person. Shilpa Shetty should not be dragged into this. He is Raj Kundra, not Shilpa Shetty's husband. Unke family abhi kis point se go through ho rahe hain, that's the main sensitive point hota hai, because he is a personality, right? Agar wo ek position hold karte hain, to it's very easy for the other person to unko defame karna. It is actually wrong. The thing is, I also read that Poonam Pandey and I guess Rakhi Samant name was also involved in these particular things. Like, they both were related to Raj Kundra's scam, but they also raised this issue that why can't you raise Shilpa Shetty's name? I mean, they have kids, you know, he's a family man, obviously, ki itna heat nahi dena chahiye, ki theek hai, let the trials and all begin, let the police and everybody do their own investigation, and then they should come to a judgment, obviously. Just say to the people about this, jo memes bana rahe hain, media trials, just say to the people, message to the audience. जो भी है हमें ध्यान से देखना चाहिए, सारी चीज़ों को समझना चाहिए, उसके बाद अपनी ओपिनियन बनाना चाहिए. ऐसे नहीं कि कोई भी न्यूज़ चल गया और हम उस पर अपनी ओपिनियन बना लें, उसके बाद पता चले कि वो निर्दोष था, तो उसके बाद आप क्या करोगे? सही बात। जब तक प्रूफ नहीं हो जाता, कुछ भी चीज़ प्रूफ नहीं हो जाती है, तो मीम्स पे इतना भरोसा करना नहीं चाहिए. जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आप कुछ भी मीम किसी के बारे में डाल सकते हैं, लेकिन उनको पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट न्यूज़ क्या है. क्या आई वॉन्ट टू से दैट स्टॉप यूजिंग दोज फेक प्रोफाइल्स going into the inboxes of women especially, because men as comparison to this, they face less trolling. So if you want to go into somebody's inboxes, I dare you, use your original account and then mess with somebody like me. मैंने पहले ही यही बात बताया है कि जब तक कोर्ट वर्डिक्ट नहीं देते हैं तब तक हम लोग को कोई अपना ओपिनियन, हम लोगों को ओपिनियन रखे, अपने आप रखे, लेकिन किसी को आपका ये कल्प्रित मत बनाइए. से वन थिंग ओनली कि जो आप बोलते हो ना उसको खुद पे इम्प्लाई करो. लाइक इफ यू आर सेइंग दैट या सेक्स इज नॉर्मलाइज, देन इफ यू थिंक दैट थिंग देन इट्स फाइन. वी शुड काम योरसेल्फ लिटिल बिट, थोड़ा अपने आप को थोड़ा एक बैक स्टेप लेके सोचो कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या नहीं. बहुत जल्दी हल्ला मचाना इज नॉट गुड. What I would say, guys, every accused is innocent until proven guilty. हमें ये बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, जब तक ये साबित ना हो जाए तो ज़्यादा किसी को मीम ना करें, ज़्यादा ट्रोल ना करें, और साथ के साथ ज़्यादा मीडिया ट्रायल्स नहीं होने चाहिए. जो लोग इस पूरी कॉन्ट्रोवर्सी में शिल्पा शेट्टी को पर्सनल रिमार्क्स बोल रहे हैं, दैट इज़ रॉन्ग. और आप मुझे कॉमेंट करके ये बताएं कि इंडिया में पॉर्न लीगल होनी चाहिए. पॉर्न इंडस्ट्री तो बहुत आगे की बात है. What do you think about this video? Please comment down below. Video पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब टू Zehrenium एंड our second चैनल Zehrenium Music. And you can follow us on Facebook, Instagram, Twitter with the name of Zehrenium. लिंक आपको दिख रहे होंगे. थैंक यू.